हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। तो अपने यूट्यूब फैमिली की मेंबर है एक माही जी, उन्होंने एक कमेंट किया था कि दिया आप बताइए ग्वार पेठे या एलोवेरा की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो स्पेशली उनके रिक्वेस्ट पे और वैसे आप सबके लिए मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। लगता है कि एलोवेरा या ग्वार पेठे के फायदे तो बताने की कोई खास जरूरत है नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए हर तरह से फायदेमंद होता है। और मुझे लगता है कि हम लक्की लोग हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत में ऐसी चीज़ें हमें इतनी आसानी से मिल जाती है और हमें इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और हर चीज़ स्वाद के लिए भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दवाइयों में कहाँ स्वाद होता है और फिर भी हमें मजबूरी में खानी पड़ती है। मैं तो ये सब्ज़ी हमेशा बनाकर खाती हूँ और मेनली ये सब्ज़ी सब्जियों में बनाकर खाई जाती है, क्योंकि इसमें मेथी डलती है और मेथी और एलोवेरा की तासीर गर्म होती है। और भगवान की दया से मुझे कोई जोड़ों में या कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर ये है कि अगर बीमारी ना है और गुण करती है वो चीज़ें तो पहले ही खा लें। और हमेशा मम्मी भी घर में बनाते थे और मैं भी बनाती हूँ, तो जिस तरह से मम्मी बनाते हैं उसी तरह से मैं बनाती हूँ, तो वही तरीका आपको बताऊँगी। और इसको बनाएंगे हम चटनी की तरह, सूखी सब्जी चटनी कुछ भी कह लो, ताकि हम थोड़े दिन इसको प्रिजर्व कर सकें और थोड़ा थोड़ा करके खा सकें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसको चटनी की तरह बनाएंगे तो ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगी ना ही ज़्यादा मसाले। बस ये एलोवेरा ले लिया, दो स्लाइसेस है मीडियम साइज़ के, तो उनके जो आगे भी पीछे का हिस्सा है वो मैंने कट कर दिया है। और वो ही पार्ट लेना है जिसमें ज़्यादा जेल काफ़ी सारा हो ना, तो वो पार्ट ले लें और साइड वाले कांटे और जो आगे पीछे का पार्ट है वो हटा दें। और इस तरह मैंने कट करके ले लिया इसको, और साथ में थोड़े से लहसुन कट करके ले लिया। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं हो तो इसकी जगह मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लें। और ये है 2 चम्मच मेथी। तो मेथी दाना को आप 4-5 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगो दें, धोकर भिगो दें, और उसके बाद सीधा बस इसको मैंने छलनी में डाल दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फुल गर्म पानी में आधा घंटा भिगो दें। मैंने ऑफिस से आने के बाद इसको आधा घंटा भिगोया है, क्योंकि एलोवेरा मैंने मेरी फ्रेंड के यहाँ से लिया है, तो मेरे पास लगा हुआ है पर उसके स्लाइसेस छोटे थे, तो मैंने सोचा वहाँ से ला के फिर ही बनाऊंगी। तो ऑफिस से आने के बाद ही भिगोया गर्म पानी में और आधा घंटे में भीग गया। उसके बाद मैंने इसको छलनी में डाल दिया है। और साथ ही हमें चाहिए नींबू या इसमें है अमचूर पाउडर, तो दोनों में से एक चीज़ ही लेंगे, दोनों चीज़ नहीं चाहिए। गर्म मसाला चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। और बाकी बस वही तेल, जीरा, नमक, मिर्च मसाला जो नॉर्मल मसाले होते हैं तो वही डालेंगे। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही बना रही हूँ तो मैंने एक फ्राई पैन ले लिया छोटा और उसमें लगभग 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तो आप जितनी भी सब्जी बना रहे हो उस हिसाब से बर्तन ले लें, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ा सा लहसुन। लहसुन डालने के बाद फ्राई पैन को साइड में कर लिया, क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म है और लहसुन को कट करके डाला है तो ये जल जाएगा। तो थोड़ा सा जैसे तेल ठंडा हो जाएगा तो अच्छा सा भुन जाएगा, और हमने लहसुन को गोल्डन ब्राउन कर लेना है सीम आंच पे भूनते हुए। और जब लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें डाल देंगे मेथी जो हमने ऑलरेडी भिगो कर रखी हुई है, और मेथी को लगातार चलाते हुए हमने भून लेना है। तो ध्यान रहे मेथी को क्रंची नहीं करना है कि हार्ड हो जाए, इतना भून लो बस। मेथी के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है, थोड़ा सा जो इसका गीलापन है वो सूख जाए। जैसे हम चावल बनाते हैं मीठे तो चावल को अपने भूनते हैं, उसी तरह बस उतना ही मेथी को भून लेना है। और भूनने के बाद देखो इसके दाने अलग अलग हो गए हैं और इतना कलर चेंज है और ऑयल अच्छे से रिलीज हो चुका है, पानी नहीं है इसके अंदर। तो इतना भूनने के बाद इसमें हमने जो एलोवेरा कट करके लिया है वो डाल देंगे, और इसको भी लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में चलाते रहें, और आप देख रहे हो कि भिंडी की तरह काफ़ी सारा जेल है इसके अंदर। तो जो एलोवेरा है उसकी सब्ज़ी में जो खाने के लिए स्वाद नहीं बनती है, तो उसके 3 कारण है। एक तो एलोवेरा में हल्की सी स्मेल आती है, दूसरा इसका कड़वापन, और तीसरा जो इसका चिपचिपापन है, जो इसका जेल है वो है। तो जेल तो हम सब्जी बना रहे हैं तो इसके अंदर खटाई डालेंगे, अमचूर, नींबू कुछ भी है, और पकाते हुए ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और एक और तरीका है इसको बनाने का कि ना तो इसमें जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाए और साथ में इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो आपने क्या करना है कि गर्म पानी करना है और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी पिसी हुई राई और थोड़ा सा हींग डाल के उसको बॉयल कर ले, और उसके बाद भी आप सब्ज़ी बना सकते हो। पर यह है कि हम उस तरह सब्ज़ी बनाएंगे तो इसके काफ़ी सारे जो विटामिन्स है, जो इसकी गुणकारी चीज़ें हैं, वो तो पानी के अंदर ही चली जाएगी ना। और इतना करने के बावजूद भी जो एलोवेरा का टेस्ट है, थोड़ा सा कड़वापन और थोड़ी सी स्मेल है, वो तो रह ही जाएगी। तो इसीलिए कि हम अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्वाद के साथ समझौता कर लें और इसी तरह बनाकर खाएं, ताकि जो इसके विटामिन्स, जो इसके फ़ायदे हैं वो हम पूरे ले सकें।
तो ये सब्ज़ी मैं हमेशा बिना बॉईल करे हुए बनाती हूँ, और चाहे तो आप उस तरीके से बना सकते हैं, बस मैंने बताया उस तरीके से बॉईल कर लें, और चाहे तो इसके अंदर टमाटर और प्याज की ग्रेवी बनाकर भी बना ही सकते हो जैसे हम पनीर बनाते हैं, पर पनीर की तरह नहीं बनेगी ये सब्ज़ी। तो इसको बस इसी तरह चटनी की तरह बना लें और थोड़ी थोड़ी करके खाएँ ताकि ये लंबे टाइम तक हम खा सकें, क्योंकि जो चीज़ हमें खाने में स्वादिष्ट कम लगती है ना, तो मेरी तो एक ही ट्रिक है कि वो कम बना लो ताकि हमारा इंटरेस्ट है उसको खाने में वो बना रहे। अगर हम लालच करके ज़्यादा सारी बना लेते हैं और लगातार खाते हैं तो वो हमारा मन भर जाता है, फिर वो दूसरी बार बनाने का मन नहीं करता है। और बस यही कारण है कि मैं एलोवेरा की सब्ज़ी एक या दो स्लाइस से ज़्यादा कभी नहीं बनाती हूँ, और कम से कम सर्दियों में 4-5 बार तो ये बनी जाएगी। एलोवेरा को पकते हुए 1.5-2 मिनट हो चुके हैं, कलर चेंज हो चुका है। इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ही नमक डालेंगे ताकि मेथी का कड़वापन है वो ख़त्म हो सके, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी कम डालेंगे क्योंकि चटनी की तरह बना रहे हैं, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। तो बस मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दें, और मैं ये क्लियर कर दूं कि नॉर्मली जो सब्जियां रूटीन में यूज़ होती हैं उनमें मैं ये 4 मसाले ही डालती हूँ, रखती जरूर हूँ घर में गरम मसाला, चना मसाला वगैरह, ताकि ओकेजनली घर में कोई गेस्ट आए या कई बार अपना भी चटपटा खाने का मन हो तो हम उनको यूज़ कर सकें। और बस मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगाकर हम लगभग 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे, और 6 से 7 मिनट के अंदर हमारा एलोवेरा की सब्ज़ी है वो पककर तैयार हो जाएगी। और अगर 8-10 मिनट भी पका लोगे तो ये नहीं है कि सब्ज़ी गल जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी, पर नॉर्मली ये 7-8 मिनट के अंदर पककर तैयार हो जाती है। और बस ढक्कन लगाकर इसको पका लें, और इसमें हमने पानी या बॉयल नहीं किया है, पानी बिल्कुल नहीं डाला है, तो बस इतना कर लें कि आप इसको एक बार चेक कर लें, और बस ढक्कन लगाकर पका लेते हैं और 5-7 मिनट के बाद चेक करते हैं। 5-7 मिनट हो गए हैं और सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं, और देखने से ही पता चल रहा है सब्ज़ी का एकदम कलर चेंज हो गया है, सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। और बस हम इसके अंदर 1/2 चम्मच से कम डाल देते हैं अमचूर पाउडर, और अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 1/2 नींबू निचोड़ दें, बस इतना एलोवेरा और 1/2 नींबू का रस सफिशेंट रहेगा। और बस मिक्स कर देते हैं 1-1.5 मिनट के अंदर, देखो सब्ज़ी तैयार है, और इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, सब्जी बनकर तैयार है। तो ये वेदी गुणों से भरपूर एलोवेरा की सब्जी बनकर तैयार है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि काश आप इसको टेस्ट करते इतनी स्वादिष्ट होती, इसको अभी खाएंगे तो हल्की ये कड़वी है खाने में, और 8-10 घंटे छोड़ देंगे सुबह खाएंगे तो ना तो इसमें कड़वाहट रहेगी, ना ही जो एलोवेरा की स्मेल कह लो, खुशबू कह लो, वो भी खत्म हो जाएगी, और चिपचिपापन तो जैसे ही हमने बनाया है और हम चोर डालेंगे तो चिपचिपापन तो इसका भी खत्म हो जाएगा। तो एलोवेरा की सब्जी मेनली मन इसके फायदे देखते हुए खाते हैं, तो इसमें एलोवेरा के मेथी के सारे फायदे इसके अंदर हैं, और स्वादिष्ट भी बनी है, ऐसी कोई बात नहीं कि स्वादिष्ट नहीं है। तो आप, मैं तो यही कहूँगी कि आप इसी तरह से बना के खाएं, ताकि हम कोई चीज़ खा भी रहे मेहनत करके तो वो उसके पूरे गुण भी हमारे शरीर के अंदर जाने चाहिए। और मम्मी ऐसे बनाते हैं, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, और वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आपका दूसरा तरीका भी है, उसी तरीके से आप पूरा स्वादिष्ट मेहनत करके बना सकते हो, पर फिर भी ये नहीं है कि आप उसकी बराबरी आप शाही पनीर से कर दोगे या किसी और सब्जी से कर दोगे, नहीं, एलोवेरा का हल्का जो उसकी स्मेल है, एलोवेरा की एलोवेरा का टेस्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा इसमें। तो इसी तरह बना लो कि बस इसको 8-10 घंटे छोड़ देना, तो इसका कड़वापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने अमचूर डाला है, अमचूर और खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है, हम सब जानते हैं, और विटामिन सी है वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और साथ ही साथ कड़वापन भी खत्म करता है, तभी तो हम हरी मिर्च के अचार में नींबू डालते हैं। तो बस वही बात इसी के साथ, और अंत में फ्रेंड्स वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब अगर आप न्यू है तो, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच।